तो गाइस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम गूगल एड्स ऐप को किस तरीके से यूज करते हैं, हम अपने कैंपेन को गूगल एड्स ऐप के अंदर किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि गूगल ने कौन कौन से नए फीचर्स गूगल एड्स ऐप के अंदर यूज किए हैं, जिनको यूज करके हम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो गाइस सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, एक एक ऑप्शन आपको पूरा एक्सप्लोर करूंगा इस वीडियो में गूगल एड्स ऐप का। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग गूगल एड्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं और फ्यूचर में भी आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और चलते हैं गूगल एड्स ऐप के अंदर। तो दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी कैंपेन बनाया हुआ है तो गूगल एड्स मोबाइल ऐप में सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आपके कैंपेन का ओवरव्यू दिखाई देगा। तो गाइस साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप गूगल एड्स मोबाइल ऐप के अंदर कोई भी नया कैंपेन या कोई भी नया अकाउंट नहीं बना सकते हैं, सिर्फ आप एड्स कॉपी ही बना सकते हैं ऐप के अंदर। अगर आपको नया कैंपेन या नया अकाउंट बनाना है तो आपको गूगल एड्स की वेबसाइट में जा कर के वहाँ पर बनाना होगा नया कैंपेन या नया अकाउंट, यानी कि आप मोबाइल ऐप के अंदर ये सब चीज़ नहीं बना सकते हैं, सिर्फ एड्स कॉपी ही बना सकते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अगर आपने एक अकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चार नीचे ऑप्शन देख रहे हैं, ओवरव्यू, रिकमेंडेशन, कैंपेन्स, मोर। तो अगर आपने एक अकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ पे कैंपेन्स दिखाई देगा। अगर आपने एक मेल आईडी के अंदर बहुत सारे अकाउंट बनाए हुए हैं तो कैंपेन्स की जगह आपको अकाउंट दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कैंपेन का ओवरव्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरव्यू में सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरव्यू में क्या क्या आपको दिखाई देगा। क्लिक्स, इंप्रेशन, एवरेज सीपीसी, कॉस्ट। यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है तो कुछ यहाँ पे ले सकते हैं, इंप्रेशन कितने आए हैं यहाँ पर। अगर हम कॉस्ट की जगह मैं चेंज करूँ तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंप्रेशन को लेकर के चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं देखना कस्टमाइज डेट करके आप देख सकते हैं, टुडे का अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड आ जाएगा, यस्टरडे का आपको देखना है तो यस्टरडे का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पे ओवरव्यू में आप कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद चलते हम यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन आपको मिल जाएंगी कि ऑप्टिमाइजेशन स्कोर आपका कितना है, किस तरीके का है, ये ओवरव्यू है आपका, ठीक है। सर्चेस टर्म है जिनको सर्च करके लोगों ने आपके पास आपके कैंपेन के ऊपर आपके ऐड के ऊपर आए हैं वो कुछ इस तरीके की सर्च टर्म्स हैं। वर्ड्स में अगर आप देखें कि ये वर्ड आपके एडवर्टीजमेंट में यूज़ हुए हैं, जिनको यूज़ करके मतलब यूज़र आपके एड्स पर आया है। और डिवाइसेस आप देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर्स से कितना कितना कॉस्ट पड़ा है, कितना इंप्रेशन, क्लिक्स, यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं जो भी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में आता है कि ये कुछ रिकमेंडेशन है आपके लिए कि आप अपनी बिड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। व्यू मोर करेंगे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी कब आपको बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, तो ये रिकमेंडेशन आपको देता है। अगर आपको सही लगता है तो आप जा सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरीके से कीवर्ड्स को लेकर के आता है कि अगर आप मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड यहाँ पे आपने छोड़ दिए हैं वो यहाँ पे गूगल रिकमेंड करता है आपको कि इनको ऐड करें। अगर आपको ये सही लगते हैं, आपके बिजनेस से रेलिवेंट हैं, इनको क्लिक करके आपके यूज़र आपके ऐड पर आ सकते हैं, रेलिवेंट यूज़र, रेलिवेंट कस्टमर आपको मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर देना, ठीक है। तो इस तरीके का ओवरव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में रिकमेंडेशन में वही है जो आपने ओवरव्यू में देखा था, तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ आपको ज़्यादा मिल जाएगा। सबसे नीचे आप ये देख रहे हैं कि ज़्यादा अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक गूगल एड्स ऑन द वेब फॉर मोर रिकमेंडेशन विद 21.1% स्कोर अपलिफ्ट, ठीक है। तो ज़्यादा अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो इसका वेब वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल में जाकर के वेबसाइट इनकी ओपन कर सकते हैं या डेस्कटॉप में जाकर के ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की रिकमेंडेशन आपको मिल जाएंगी। तो गाइज यहाँ पे पूरी वीडियो देखना, आप एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक्सप्लोर करके। इसके बाद में आते हैं कैंपेन्स। तो जितने भी आपने गाइज कैंपेन चलाए हुए हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारे कैंपेन्स का। आप ऑल डेटा देखना चाह रहे हैं यहाँ पे देखिए ऑल टाइम, तो यहाँ पे ऑल टाइम आपको मिल जाएगा। कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑल टाइम कर सकते हैं और कस्टम में आप अपने डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट स्क्रॉल करोगे आप तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा।
तो गाइस जिस तरीके से, जैसे मैं आपको बता दूं कि बजट हमारा इतना था, स्टेटस हमारा इतना है, क्लिक्स हमारे इतने आए हैं, कॉस्ट हमारी इतनी आई है, इंप्रेशन हमारे इतने आए हैं, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। एवरेज CPC हमारा क्या चल रहा है, एवरेज CPV क्या है, व्यूज़ कितने हैं हमारे, इंट्रैक्शन लोगों से कितना हुआ है, तो ये सब कुछ अगर आपको चाहिए। जैसे अगर आप ऐप कैंपेन के लिए चला रहे हैं तो इंस्टॉलेशन आपको ज़रूरी होगा, यहाँ पे आपको टिक मार करना होगा। इन ऐप एक्शन अगर आप कर रहे हैं तो ये आपको करना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज कॉलम्स आप ऐड करके अपनी रिपोर्ट को बड़ी आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम कैंपेन के एक कैंपेन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में कैंपेन के अंदर आते हैं ग्रुप। तो यहाँ पे आपको ग्रुप का सारा डेटा मिल जाएगा कि एक कैंपेन में कितने ग्रुप्स आपने बनाए हुए हैं और उन ग्रुप का पर्टिकुलर रिकॉर्ड क्या है, किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप अपने कैंपेन की डिटेल में जानकारी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पॉज करना है या चलाना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और इसको आप एक डायग्राम, एक ये समझ लीजिए कि ग्राफ के तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपके कैंपेन का किस तरीके से परफॉर्म चल रही है, आपका बैलेंस कितना है कितना नहीं है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कितना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि 100% आपका कैंपेन स्कोर रहे तो बेटर रहता है, बेटर परफॉर्म करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लिक्स हमारे इतना है, कॉस्ट हमारे पर क्लिक कितनी पड़ी है, और जो सर्च टर्म्स हैं ये आपको दिख जाएंगी। जैसे यहाँ पे करोगे, एक्सप्लोर करोगे इसको, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी सर्च टर्म्स, इंप्रेशन आपके कितने हैं, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। डिवाइसेस किन किन डिवाइसेस से आया है, नेटवर्क कौन कौन से यूज़ हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। तो डिटेल में यहाँ पे आप अपने कैंपेन की जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन भी दी जा रही है कि न्यू कीवर्ड्स अब अगर आप ऐड कर सकते हैं कर लीजिएगा, इनसे आपका परसेंटेज, अगर आप नए कीवर्ड ऐड कर सकते हैं तो 11% आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बढ़ सकता है। उसके बाद में गाइज यहाँ पे अगर आप ऐड ग्रुप, जो नीचे आप देख रहे हैं कि ऐड ग्रुप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कैंपेन के अंदर जितने ऐड ग्रुप आपने बनाए हैं वो आपको पता लग जाएगा उनकी परफॉर्मेंस। तो ऐड ग्रुप मैंने एक ही बनाया है यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है वो इस तरीके की है। और जैसे ही हम ऐड ग्रुप 1 के अंदर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है कि इस ग्रुप में इस तरीके की परफॉर्मेंस हुई है। उसके बाद में जैसे ही हम एड्स पर क्लिक करते हैं तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी आपने एड्स बनाए हैं पर ग्रुप के अंदर, तो आपको यहाँ पे सारे के सारे एड्स जो हैं वो आपको पता लग जाएंगे, उनका स्टेटस पता लग जाएगा, क्लिक्स पर एड कॉपी से कितने आ रहे हैं, कितना कॉस्ट उसमें जा रहा है, कितना इंप्रेशन पर एड क्लिक एड का आ रहा है, CTR कितना है, एवरेज CPC कितना है, तो ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी डिटेल में। और अगर आप नया कोई ऐड बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं टेक्स्ट एड बनाना चाह रहे हैं और रेस्पॉन्सिव सर्च ऐड, तो रेस्पॉन्सिव सर्च ऐड ज़्यादा परफॉर्म करते हैं इन कंपेरिजन ऑफ टेक्स्ट ऐड के, क्योंकि ये अपने हिसाब से आपका जो ऐड है वो शो कराता है गूगल। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, अपने ऐड को बना सकते हैं। अगर आपको अपना प्रीव्यू देखना है तो कुछ इस तरीके का आपका प्रीव्यू दिखाई देगा जो आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ठीक है, तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस उसके बाद हम बढ़ते हैं मोर ऑप्शन पर। मोर ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे कीवर्ड्स, कितने आपने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, ये आपके कीवर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे जो आप यूज़ कर रहे हैं, निगेटिव कीवर्ड्स आपने कितने डाले हैं, यानी कि उन वो कीवर्ड हैं, ये निगेटिव कीवर्ड वो कीवर्ड हैं जिनसे आप अपने ऐड को शो नहीं कराना चाह रहे हैं, जिनको अगर कोई यूज़ करता है तो आपका ऐड दिखाई ना दे, ठीक है। तो बिलिंग एंड पेमेंट यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपना बिलिंग यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर हम चलते हैं, सेटिंग्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, कि जैसे आप अपने अकाउंट एक्सेसिबिलिटी दे सकते हैं, क्या क्या आपको नोटिफिकेशन चाहिए अपने अकाउंट के बारे में, क्या क्या आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपको नोटिफिकेशन जिसके रिगार्डिंग, जिस फीचर के रिगार्डिंग आपको चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट या डार्क मोड भी आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज अगर आपको गूगल एड्स में सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट पर क्लिक करके आप उनको कॉल भी कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब ऊपर आते हैं हम तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आप कितनी एड ग्रुप की सेटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिड एडजस्टमेंट में आपको दिखेगा कि अगर आप कंप्यूटर पे चलाना चाह रहे हैं या मोबाइल पे चलाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप डिवाइस के अकॉर्डिंग अपनी बिड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सपोज़ आप सारी की सारी जो ऑडियंस है आप मोबाइल की लेना चाह रहे हैं तो गाइज़ यहाँ पर आपको ऑफ़ कर देना है
और यहाँ पर आपकी जो कंप्यूटर की ऑडियंस है वो आपकी नहीं आएगी, सिर्फ मोबाइल की ऑडियंस आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे सेव करेंगे तो आपकी कंप्यूटर की ऑडियंस जो है वो नहीं आएगी, सिर्फ मोबाइल की ऑडियंस ही आपके ऐड को क्लिक करेगी, ठीक है। तो गाइज़ इस तरीके से आप गूगल एड्स मोबाइल ऐप को यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी कैसे भी बैठे हुए अपने कैंपेन को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो पसंद आई।